तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम एक मेल की डिजीज होती है और इसमें वाई के साथ दो एक्स्ट्रा, बल्कि एक एक्स वाई के साथ ना एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है। तो इंडिविजुअल विद क्लिनफेल्टर सिंड्रोम हैव एट लीस्ट टू एक्स क्रोमोसोम एंड वन एट लीस्ट वन वाई क्रोमोसोम। तो ये तीन एक्स क्रोमोसोम भी हो सकते हैं, एक वाई भी हो सकता है। तो मोस्टली ये ट्राइसोमी कंडीशन है जिसमें एक क्रोमोसोम यानी कि टू एन प्लस वन होता है इसमें। तो ये ट्राइसोमी कंडीशन है जिसमें दो एक्स के साथ एक वाई होता है। तो ये 47 होता है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इंडिविजुअल विद द कंडीशन आर यूजली रेफर टू एज एक्स एक्स वाई मेल। दिस क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूट कैरियोटाइप एग्जिस्ट एंड रफली बिटवीन वन इन 500 और वन इन 1000 लाइव मेल बर्ड्स। ठीक है, कार्ड क्या है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इज रिटेन्ड बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन इवेंट ड्यूरिंग मियोसिस वन, और मियोसिस वन गैमेटोजेनेसिस के दौरान होती है, मियोसिस टू इन फीमेल। तो मोस्टली मेल के अंदर जो है वो मियोसिस वन में प्रॉब्लम आती है नॉन डिसजंक्शन की, और मियोसिस टू फीमेल्स के अंदर नॉन डिसजंक्शन की प्रॉब्लम होती है। नॉन डिसजंक्शन अगर व्हेन द होमोलोगस क्रोमोसोम एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट, और तो ये दो एक्स वाई एक्स के साथ जो एक्स से आता है उनके साथ मिलते हैं तो दो एक्स और एक वाई बनता है, प्रोड्यूसिंग स्पर्म विद एक्स एंड ए वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइजिंग ए नॉर्मल एग, तो एक्स एक्स वाई होता है। और बाज़ उकात तो जो एग भी होता है वो उसके अंदर भी टू एक्स होते हैं, तो थ्री एक्स और एक वाई होता है, लेकिन ये रेयर केसेस है। द एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम अरेंजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जेनेटिक वेरिएशन फ्रॉम द एक्स वाई कैरियोटाइप अकरिंग इन अबाउट वन इन 500 और वन इन 1000 लाइव बर्थ। तो ये देखें, ये मेल है, इसमें मियोसिस वन में प्रॉब्लम आती है, और फीमेल में आगे आएगा ये गैमेटोजेनेसिस दिखाई गई है। तो मेल के अंदर ये मेल है ब्लू कलर में और ये फीमेल है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये सेग्रीगेशन हो रही है, मियोसिस वन के अंदर जो है वो इधर थ्री चल गया और इधर एक, फिर आगे जो गैमेट बने हैं तो इधर कोई भी नहीं है और इधर दो चलेंगे। तो फिर ये एक्स से जो एक नॉर्मल आ रहा है तो ये दो एक्स और वाई इसके साथ मिल रहे हैं, तो ये ट्राइसोमिक कंडीशन जेनरेट कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है मियोसिस टू फीमेल के अंदर, यानी कि फीमेल में क्या होता है, दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, मियोसिस वन जो है वो नॉर्मल होती है, लेकिन मियोसिस टू जो होती है उसमें नॉन डिसजंक्शन होती है। तो इसमें क्या होता है, जो एग बनता है उसमें दो एक्स चले जाते हैं, और ये मियोसिस टू में होता है, जबकि हमने मेल में पढ़ा था मियोसिस वन में जो है प्रॉब्लम आती है, फीमेल में आती है प्रॉब्लम मियोसिस टू के अंदर। तो इसमें दो एक्स और एक वाई आपस में मिलते हैं तो ट्राइसोमी की कंडीशन बनती है। साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं वो आगे एज के लिहाज से इसके वरी करते हैं। वीक मसल्स होते हैं, स्लो मोटर डेवलपमेंट, टेकिंग लॉन्गर देन एवरेज टू सिट अप क्रॉल एंड वॉक, यानी कि इसमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं। डिले इन स्पीकिंग, क्वाइट डोसाइल पर्सनैलिटी प्रॉब्लम एट बर्थ सच एज टेस्टिकल्स दैट हैव नॉट डिसेंडेड इन द स्क्रोटम, यानी कि उनका साइज छोटा होता है। और जो टीनेजर के जो बॉयज होते हैं उनमें क्या होते हैं, टॉलर देन एवरेज स्टेटस, लॉन्गर लेग्स, उनकी टांगे बड़ी होती हैं, शार्टर टॉर्सो एंड ब्रॉडर हिप्स कंपेयर्ड विद द अदर बॉय, उनकी हिप्स थोड़ी ना चौड़ी होती हैं। एबसेंट डिले आर एंड कम्प्लीटली पबर्टी, पबर्टी जो है वो सही तरीके से नहीं आती आफ्टर पबर्टी, लेस मस्कुलर बॉडी एंड लेस फेशियल एंड बॉडी एयर कंपेयर विद द अदर टीम, स्मॉल फर्म टेस्टिकल, यानी कि जो टेस्टिस हैं उनका साइज छोटा होता है, स्मॉल बीनस पीनिस का साइज भी छोटा होता है, इन लार्ज ब्रेस्ट टिश्यू, गाइनेकोमास्टिया, वीक बोन्स, मीन के इसमें जो मैमरी ग्लैंड होते हैं उसमें लिपिड की जो है डिपोजिशन ज़्यादा होती है गाइनेकोमास्टिया में, लो एनर्जी लेवल, सेंस इज डिफिकल्ट एक्सप्रेसिंग फीलिंग आर सोशलाइजिंग
प्रॉब्लम विद रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग और मैथ, टेंशन प्रॉब्लम, ये सारी होती हैं। इसके अलावा वीक बोन्स मैन के अंदर जब वो 20 क्रॉस कर लेता है, वीक बोन्स क्रीज फेशियल एंड बॉडी है इन लार्ज ब्रेस्ट टिश्यू डिक्रीज सेक्स ड्राइव और सेक्सुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, स्मॉल टेस्टिकल्स एंड पेनिस टॉलर देन एवरेज स्टेटस। तो वेरिएशन क्या है, मैंने कहा है कि ये भी हो सकता है कि 2x और 2y हों या 3x और 1y, अगर इन 1 out of 18,000 और 50,000 मेल बर्थ, ठीक है। द इंसिडेंट्स ऑफ 49 यानी कि 4x और एक यानी कि पेंटासोमी, तो इसमें 85,000 में से सॉरी 8,50,000 में से एक में से हो सकती है या 1,00,000 में से एक को हो सकती है, 10,00,000 में से एक को हो सकती है। मोज़ेक क्या होता है कि कुछ सेल नॉर्मल एक्स वाई क्रोमोसोम रखते हैं और कुछ नॉर्मल होते हैं और इनके अंदर सिम्टम्स जो हैं वो कम होते हैं। मोज़ेक और मोज़ेकिज्म डोनेट द प्रेजेंस टू आर मोर पॉपुलेशन ऑफ सेल विद डिफरेंट जीनोटाइप इन वन इंडिविजुअल हु हैव डेवलप्ड फ्रॉम सिंगल फर्टिलाइज्ड एग। मेल विद क्लिनफेंटर सिंड्रोम में हैव मोज़ेक 47 और 46 कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैरियोटाइप एंड वेरिंग डिग्री ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस फेलियर। तो मोज़ेकिज्म 47 और 46 क्रोमोसोम विद क्लिनिकल फीचर्स सजेस्टिव ऑफ क्लिनफेल्टर सिंड्रोम इज वेरी रेयर, दस फॉर ओनली अबाउट 10 केसेस हैव बीन डिस्क्राइब इन लिटरेचर। तो ये बड़ी रेयर होती है कि जो ये डिजीज क्लिनफेल्टर सिंड्रोम होती है ये मोज़ेकिज्म की वजह से होती है। एनालोगस XXY सिंड्रोम आर नोन टू अकर इन कैट्स, ये कैट्स में भी होता है जिसको कैलिको कहते हैं, इसमें स्पॉट्स आ जाते हैं जो वाइट स्पॉट्स भी होते हैं और इसमें स्पॉटेड कलर्ड स्पॉट भी होते हैं, वाइट कलर होता है ऊपर स्पॉटेड कलर स्पॉट्स होते हैं। इसके अलावा मेल जो कैट्स होती हैं उनमें टार्टाइज लाइक सेल भी होते हैं, तो ये टिपिकल करेक्टरिस्टिक होते हैं कैट्स के अंदर जो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम होती है, ठीक है। तो ये इसकी प्रेवलेंस है कि किस एज में ज़्यादा होती है, ये एज का ग्राफ दिया हुआ है। डायग्नोसिस क्लिनफेल्टर सिंड्रोम द ग्रेटेस्ट chances to make a Klinefelter's diagnosis are in the following times of life, before or shortly after birth, early childhood, adulthood. For male in which Klinefelter syndrome is suspected, a special blood test is recommended to confirm the Klinefelter syndrome diagnosis. Wo karyotyping ka hota hai. ब्लड टेस्ट क्या कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट का कैरियोटाइप एंड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक मेथड, जिसमें क्रोमोसोम को लाइन करते हैं और देखते हैं कि कौन सा क्रोमोसोम 2x और एक वाई क्यों इसमें है वाकई ये क्लिनफेल्टर सिंड्रोम या नहीं। टेस्ट लुक एट ए पर्सन क्रोमोसोम, तो प्रीनेटल टेस्टिंग मेनी मेल्स हैव बीन डायग्नोस विद एमनियोसेंटेसिस और क्रोनिक विलेज सैंपलिंग, तो इसमें सैंपल लिया जाता है और फिर उसकी टेस्टिंग की जाती है। ये देखें एमनियोटिक फ्लूइड लिया जा रहा है कैरियोटाइपिंग के लिए, कि फिर कोरियोनिक विलेज सैंपलिंग भी ले सकते हैं, ठीक है, ताकि क्रोमोसोम का पैटर्न देखा जा सके। बोट 10% ऑफ क्लिनफेल्टर केसेस आर फाउंड बाय प्रीनेटल डायग्नोसिस, ओनली क्वार्टर ऑफ द अफेक्टेड मेल आर रिकॉग्नाइज्ड हैव क्लिनफेल्टर सिंड्रोम एट पुबर्टी। तो 10% डायग्नोसिस होती है जब प्रीनेटल यानी कि बर्थ से पहले, मोस्टली ये पुबर्टी के बाद डिटेक्शन होती है, ठीक है। 25% रिसीव द डायग्नोसिस इन लेट एडल्टहुड, 64% अफेक्टेड इंडिविजुअल आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज सच, जो उसको वाकई क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है भी कि नहीं। आफ्टर द डायग्नोसिस इज मेड एक्सीडेंटली एज ए रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड मेडिकल विजिट फॉर अदर रीजन नॉट लाइकली टू द कंडीशन, वो डॉक्टर के पास किसी और पर्पज के लिए जाते हैं कि मेरे जो मेल करेक्टरिस्टिक हैं वो इतने अच्छे नहीं है, तो वो डायग्नोज होती है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। ट्रीटमेंट क्या है, टेस्टोस्टेरोन जो है ना कि हार्मोन दिया जाता है, ठीक है, पबर्टी की एज में जब मेल पहुंचता है,
can normalize body proportion and promote development of normal secondary sexual characteristics, but does not treat infertility. Gynecomastia, यानी कि जो ब्रेस्ट का साइज अब बड़ा हो जाता है, एंड स्मॉल टेस्टिस. बाय 2010 अवर 100 सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हैव बीन रिपोर्टेड यूजिंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इसमें क्या है कि स्पर्म को रिमूव किया जाता है मेल से, और जो नॉर्मल स्पर्म होता है उसका फिर एग से क्रॉस किया जाता है, तो फिर उसको प्लांट किया जाता है मदर के अंदर. द रिजल्ट ऑफ स्टडी ऑफ 87 ऑस्ट्रेलियन एडल्ट विद सिंड्रोम शोज हु हैव हैड अ डायग्नोसिस एंड अप्रोप्रियर ट्रीटमेंट फॉर एवरी यंग एज हैड सिग्निफिकेंट बेनिफिट विद रिस्पेक्ट टू दोज हु हैड बीन डायग्नोस्ड इन एडल्टहुड. तो जो अर्ली डायग्नोसिस होते हैं उसमें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं. और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होती है कि आर्टिफिशियल स्पर्म और एग को मिलाया जाता है और जायगोट बनता है, और मदर की फिर ओवरीज में रख दिया जाता है और वहाँ पर उसकी ग्रोथ होती है. ठीक है, तो ये देखा जाता है कि वाकई वो फिर ये जो जायगोट बनता है उसका देख बेबी देखते हैं कि वाकई वो नॉर्मल है या नहीं है, तो उसका फिर कैरियोटाइप भी कर सकते हैं या उसकी ग्रोथ से पता चल जाता है कि ये जो बेबी है वो ठीक है कि नहीं. ये गायनोमेस्टी है. ठीक है, इसमें क्या है कि ब्रेस्ट का साइज बड़ा हो जाता है लिपर्ड की डिपोजिशन की वजह से. तो इसका हल क्या है, सर्जरी के जरिए लिपोसक्शन की जाती है और इसे रिमूव की जाती है. ये देखें, सर्जरी से रिमूव की हुई है इधर से. एपिडेमियोलॉजी देखें, दिस सिंड्रोम इवनली स्प्रेड इन ऑल एथनिक ग्रुप हैज ए प्रेवलेंस ऑफ 1 to 2 सब्जेक्ट एवरी 1000 मेल इन द जनरल पॉपुलेशन. 3.1% ऑफ अनफर्टाइल मेल हैव क्लिनफेंटर सिंड्रोम. द प्रेवलेंस ऑफ द सिंड्रोम हैज इंक्रीज्ड ओवर द पास्ट डेकेड. क्यों, हाउएवर दिस डज नॉट अपीयर टू कोरिलेटेड विद द इंक्रीज ऑफ एज ऑफ द मदर एट कंसेप्शन. तो ये इसको आप कोरिलेट नहीं कहते हैं कि मदर की एज बढ़ गई है शायद इस वजह से हो रही है. द रिजल्ट ऑफ द स्टडी ऑफ 87 ऑस्ट्रेलियन एडल्ट विद सिंड्रोम शोज हु हैड डायग्नोसिस. ये मैं पहले बता चुका हूँ, ये साइंटिस्ट था हैरी क्लिनफेल्टर, जिसने जो है ना सबसे पहले जो जनरल हॉस्पिटल बोस्टन के अंदर था उसमें 9 लोगों का जायजा लिया. उसमें लार्ज ब्रेस्ट, स्पार्स फेशियल एंड बॉडी हेयर, स्मॉल टेस्टिस एंड इनबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पर्म. तो उनका जब जायजा लिया तो उनमें क्लिनफेल्टर सिंड्रोम आई थी. तो इसके अलावा 1970 में भी रिसर्चर्स ने जो है ना वर्ल्ड के अंदर ऐसे मेल आइडेंटिफाई किए जिनके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम था. ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टडीज एंड डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ये रेफरेंसेस हैं.